हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। और आप सभी कैसे हैं? सो गाइस, बस अब हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। इसके पापा भी चले गए हैं, बस मिशिका का रह गया है और रोहन भी चला गया है क्योंकि आज उसका एग्जाम था। तो हम सबका ब्रेकफास्ट तो हो चुका है। मिशिका तो बस लाइट लाइट ही लेती है, उसके ब्रेकफास्ट में इतना मुझे कोई टाइम नहीं लगता। बस 5-10 मिनट में उसका बन जाता है। मैंने कहा चलो, तब इसके बीच में गैप होता है तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो बस अब मैंने बिल्कुल अपना रेडी हो गई हूँ, नहा धो के बिल्कुल अपना पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है। और किचन अब बस अब सारा क्लीन करना रह गया है। और रोहन का रूम मैंने सबसे पहले करा है क्लीन, क्योंकि वो 2 दिन से उसका एग्जाम था ना आज, तो 2 दिन से फिर उसकी बुक्स वुक्स सब टेबल पे ऐसी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो अब मैं उसकी हर मतलब जगह पे रख दूँ उसकी बुक्स, और उसकी बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ दूँ, क्योंकि वो फिर कहता है कि नहीं ऐसे ही पड़े रहने दो, इसको छेड़ो मत। अब वो गया है तो मैंने कहा चलो अच्छे से मैं रूम क्लीन कर दूँ। वैसे तो डस्टिंग डेली ही करती है, फिर भी मैंने एक बार अच्छे से दोबारा डस्टिंग की है। तो बस गाइज, अब मैं लंच में मैं बनाऊंगी आज भिंडी। मुझे तो यही लग रहा है कि वही बनाऊंगी। आगे कुछ थोड़ा करते करते कुछ मतलब चेंज हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बनाऊंगी तो भिंडी, क्योंकि दही वगैरह भी ये ले आए हैं और रायता डाल दूंगी, प्याज टमाटर का रायता डालूंगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, वही अच्छा लगता है। वो पकौड़ियों वाला नहीं, हम लोग इतना मतलब खाते हैं, इनको अच्छा लगता है, लेकिन मिशिका और मुझे प्याज टमाटर वाला रायता बहुत अच्छा लगता है। और बस वही बारीक बारीक कट करके मैं भिंडी बनाऊंगी और उसके बाद अपना रायता, फिर हम लंच करेंगे और देखते हैं अब आज आगे क्या होता है। बस अब ये मैं कर रही हूँ मिशिका के लिए दूध गरम, और मिशिका इसमें ये लेगी, ये केलॉग्स की म्यूजली है। इसमें मतलब सारे नट्स वगैरह डले होते हैं और काफ़ी हेल्दी होती है। तो बस अगर कभी लाइट ब्रेकफास्ट करना हो तो ये मतलब ले सकते हैं, और इससे मतलब काफ़ी सही अच्छा टेस्ट भी है इसका। तो अब ये तो मुझे कह रही है कि मम्मा मेरे को यही खाना है लाइट लाइट ब्रेकफास्ट, इसका तो चलता है, बस हम लोग थोड़ा कम ही खाते हैं, ये इसको अच्छी लगती है। तो बस अब मैं इसको इसमें डाल के दे रही हूँ। दूध तो मैंने देखो बॉयल होने ही वाला है, गर्म हो गया है। इसमें दूध अच्छे से गर्म होना तभी ये अच्छी लगती है। बस अब मैंने इसको ना खोल के ना मैंने कहा इसको किसी ना डिब्बे में डाल दूँ, ये डिब्बा कल मैंने धुलवाया था, तो अब इसमें मैंने कहा डाल देती हूँ इसको। और बाकी ये बाउल में मिशिका को दूध डाल दूँगी, और इधर मैं ये अपना डाल रही हूँ। चलो अच्छे से ये फिर पूरा डिब्बा भर जाएगा, और ये तो अपने आप ही डालेगी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है ये कितना इसमें डालना है और क्या है। ये देखो ये ऐसे लगती है, मैं आपको तभी डालते हुए दिखा रही थी। तो ये देखो काफ़ी इसमें मतलब क्या नट्स वट्स होते हैं, तो ये मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, उससे तो अच्छी लगती है। ये ओट्स बनते हैं ना, ओट्स से तो ज़्यादा अच्छी है। सो गाइज, अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आई हूँ मैं लंच टाइम पे, लंच बनाने के लिए। सो लंच मैं आज बना रही हूँ, मैंने आपको बताया था भिंडी, फाइनली मैंने बनाई है भिंडी। तो क्योंकि एक्चुअली सब्जियाँ यार समझ ही नहीं आती हैं क्या बनाएं, मतलब सब्जियाँ होती तो बहुत हैं बट समझ नहीं आती क्या बनाएं। अब मिशिका को मैंने सुबह बोला मैं भिंडी बना रही हूँ, कहती भिंडी, मैंने कहा तो क्या हो गया यार, कुछ नहीं समझ आता। तो फिर अब मैंने बस अब मेरी भिंडी बन रही है, इधर मैंने रखी हुई है अपना गैस पे, और किचन में मैंने सारी अच्छे से क्लीन कर दी है। बस अब रोहन भी आने वाला है, उसका मैं लंच बनाऊंगी, और बस अब आटा गूंद रही हूँ, फिर सैलड कट करूंगी, फिर उसके बाद मैं रोहन का लंच बना दूंगी, क्योंकि वो भी सुबह उसके लिए मैंने ऑमलेट बनाया था, लेकिन वो थोड़ा सा ही खा के गया, नहीं खा के गया क्योंकि सुबह सुबह ना उसको इतनी भूख नहीं लग रही थी। तो फिर उसने कहा कि मैं इतना नहीं खाऊंगा, तो फिर मतलब वही अब आएगा तो उसको भूख लगी ही होगी। मैंने कहा चलो अब मैं इसके लिए फटाफट से मतलब यार एक्चुअली पता क्या होता है, खाना अगर आप बनाना चाहो तो 10-15 मिनट इससे ऊपर नहीं लगते। अगर कोई सब्जी कटी हुई हो या मतलब ग्रेवी वाली या राजमा वाजमा भी हो, तो मतलब 10-15 मिनट में जैसे राजमा को तड़का लग जाता है, बस बॉयल उबलने में ही टाइम लगते हैं। बाकी जो और कोई सब्जी है, अब मैंने 10 मिनट पहले जैसे भिंडी कट किया, उसको मैंने अब गैस पे रखा है, 15-20 मिनट में मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो जाएगा, मतलब खाने में ऐसा कोई देर नहीं लगती। पहले पता है एक्चुअली कई बार पहले तो मैं इतने इतने लोगों का खाना बना लेती थी, कई बार हम जैसे बच्चों का बर्थडे वगैरह घर पर करते थे तो मैं घर पे ही अपना खाना सब्जियां वब्जियाँ बनाती थी,
और अब तो फिर बस वही है कि अब इतना बच्चों को हो गया कि बाहर ही करें, घर पे नहीं खलेरा मचाना, ये तो बाहर ही होता है। और अभी अभी बस अभी जस्ट अभी मेरी फ्रेंड ने मुझे मतलब अभी भेजे हैं भल्ले, तो कहती है कि मैं ना मतलब होली पे बनाऊंगी तो मैं आपको भेजूंगी। वो कल ही बोल रही थी क्योंकि कल हम मंदिर गए थे, तो उसने बोला कि आप ना भल्ले वगैरह मत बनाना, मैं आपको भेजूंगी। और उसने इतने सारे भेजे हैं, आप बस अब अपनी लंच पे खाएंगे तो वो टेस्ट करेंगे। वो बहुत अच्छे बनाती है भल्ले और काफ़ी सॉफ्ट होते हैं उसके, और अब बहुत अच्छा मतलब बिल्कुल बाजार जैसे लगते हैं। तो पहले ही उसने हमें बोल दिया कि आप मत बनाना, भी मैं भेजूंगी। तो बस अब हम इसके पापा भी आएंगे, और मैं तो वैसे ना होली पे यही सोच रही हूँ कि खाने में तो देखते हैं, या छोले भटूरे या फिर कुछ ऐसा, या साथ में स्वीट डिश में तो मैं खीर ही बनाऊंगी, क्योंकि खीर एक ऐसा चीज़ है जो मतलब अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो, मैंने उनको बोला मैं तुम्हें खीर भेज दूंगी, वो कहती मैं आपको ना भल्ले भेज दूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर बस ऐसे ही यार, हम फ्रेंड्स का भी प्यार ऐसे ही बना रहे। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा यार, एक्चुअली फ्रेंड्स बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स बहुत हैं, बट जो ये मेरी दो फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, और किस्मत वालों को ही ऐसे मिलती हैं। मैं ये फैक्ट है, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स है मेरी। अगर हम आधी रात को भी किसी को कहें ना कि हमें ये चीज़ करनी है वो है, तो हम बिल्कुल भी बिना सोचे, जैसे मतलब हमारी एक फैमिली है ना, ऐसे फैमिली से भी बढ़कर, और फैमिली वाले भी सोचते हैं, ये नहीं मैं मना कर रही, वो तो फैमिली भी देखो सबसे पहले है, लेकिन मेरी फ्रेंड्स जो है ना दो, अब यार आगे आगे वो मैं आपको कभी उनको भी ब्लॉग में अगर वो आएंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, उनसे मिलवाऊंगी। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, और मैं सच में बता रही हूँ, मुझे ये साईं बाबा जी के कारण ही मिली हैं। साईं बाबा जी मंदिर में बस ऐसे ही हम पास में ही रहती हैं मेरी ये दोनों फ्रेंड्स। एक फ्रेंड तो वो सिंगर है, मैंने आपको बताया ही हुआ है। एक फ्रेंड से बस थोड़ा गुरुजी के आना जाना हुआ, तो उसने फिर बोला कि आप साईं बाबा मंदिर चलो हमारे साथ, तो बस ऐसे ही हमारा बन गया। और हम अब टच वुड एवरी थर्सडे, मतलब किसी को कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो वो अवॉइड करता है, अदरवाइज हम एवरी थर्सडे हम लोग ज़रूर जाते हैं तीनों मंदिर। अपनी रास्ते में बातें बातें भी शेयर करते हैं, और अपना मंदिर भी जाते हैं, और फिर बाद में हम मार्केट वगैरह भी जाते हैं, और वो भी हम इंजॉय करते हैं अपनी मस्ती, फुल ऑन मस्ती। तो बहुत अच्छा लगता है यार, उनसे ना मिलो ना काफ़ी दिन, यार रोज़ फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे हेलो हाय तो होती रहती है, मैसेजेस वगैरह सब होते हैं, बट मिलते हम एक ही दिन है वो थर्सडे, वो हम मिस नहीं करते, मिलते ही हैं। मतलब कभी कोई भाई तो कह रही कोई बहुत ज़रूरी काम हो जाए, अदरवाइज तो हमने मिलना ही है। तो मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में उनसे भी ज़रूर मिलवाऊंगी, ओके। और बहुत ही वो भी नाइस हैं, बहुत दोनों अच्छी हैं, बहुत स्मार्ट हैं, जैसे मैं अपनी सिस्टर्स के लिए कह रही थी ऐसी मेरी ये दोनों फ्रेंड्स हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत ज़्यादा, इनकी जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। तो बस अभी मैं आटा गूंदूँ, यार डोन आएगा, ओके गा मम्मा आपने अभी तक लंच नहीं बनाया, ओके। ये देखो ये मेरी फ्रेंड ने भेजे हैं भल्ले, और उसने कितना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, ऊपर चटनी और ग्रीन चटनी, मीठी चटनी। सो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू उसको थैंक यू बोल रही हूँ, थैंक यू सुमन, थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। तो आपने मतलब वही है ना, उसने पहले से ही मुझे एक होली की वाइब क्रिएट कर दी, जैसे लगता है ना कि जैसे कोई फेस्टिवल आने वाला है, तो ऐसे बस अब आज से ही मुझे ऐसे लगने लगा है कि एक मतलब फेस्टिवल आने वाला है। सो थैंक यू वंस अगेन। आपने जो भल्ले भेजे थे वो मैं खा रही हूँ, और बस अब मैं इनको भी दे रही हूँ और बच्चों को भी दे रही हूँ, तो थोड़े थोड़े सब ले लेंगे। आपने बहुत सारे भेज दिए हैं, इतने सारे भल्ले भेज दिए हैं, तो थैंक यू। मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बोला था, तो मैंने कहा चलो अब मैं पहले डालती हूँ और मैं टेस्ट करती हूँ। ये देखो मैं खा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सच में, इतने डिलीशियस।